क्वेश्चन नंबर 22 देखो इसमें क्या लिखा है। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, अपने सिर के बल खड़ा हुआ है वो, जैसे कोई जनरली खड़ा होता है तो नॉर्मल अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है इस टाइप से, ऐसे तो किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, नॉर्थ में फेस कर रहा होता है, साउथ में फेस कर रहा होता है, ये कैसे खड़ा है? उल्टा खड़ा हुआ है ऐसे, इसे खड़ा भी नहीं कहेंगे, ऐसे है, उसका सिर नीचे है पैर ऊपर है ऐसे करके, ठीक है? ओके हाथ, आप इसे सपोर्ट करने के लिए हाथ अपने ऐसे रखने पड़ेंगे ना, ऐसे रख लेते हैं, ठीक, ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मतलब वो है, ठीक है? अब क्या करना है? इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टूवर्ड साउथ, इसका जो फेस है, ये इसकी आंखें हैं, तो इसका जो फेस है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ये साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, साउथ की तरफ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बताना है टू विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट टू, इसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कुछ करते हैं, हमें पता है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई खड़ा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए, मान लो कोई नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए खड़ा हुआ है, तो ये जो है उसका होता है राइट हैंड और ये है इसका लेफ्ट हैंड। आप खुद को इमेजिन कर लो, आप अभी बैठे हो, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो मान लो, तो आपका राइट हैंड क्या होगा, ये होता है, और आपका लेफ्ट हैंड क्या होगा, ये होता है, ये बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन में कोई फेस कर रहा है तो राइट हैंड उसका यही होगा और लेफ्ट हैंड उसका ये होगा, अपने आपको भी इमेजिन करके देख सकते हो आप, अभी आप मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ठीक है? अब आप क्या करते हो, अब आप साउथ डायरेक्शन में फेस करके फेस कर लेते हो, तो जैसे ही आप साउथ डायरेक्शन में फेस करोगे, आप टर्न बैक करोगे, तो आपका जो यहाँ पे आ जाएगा हाथ, ये वाला हाथ क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड और ये वाला हो जाएगा आपका राइट हैंड। समझ आया? कोई डाउट है यहाँ तक? देखो पहले आप नॉर्थ में फेस कर रहे थे, अभी जैसे बैठे हो वैसे ही थे, तो आप क्या हो जाओगे, आपका जो ये वाला हाथ है ये हो जाएगा राइट, ये लेफ्ट, जैसे कि बाय डिफॉल्ट है ये आपका। बट अगर आप 180 डिग्री घूम जाते हो या फिर साउथ की तरफ फेस कर जाते हो, टर्न बैक कर जाते हो, तो उल्टा नहीं हो जाएगा? ऐसे टर्न बैक होने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा ना, जब वो घूमेगा तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आ जाएगा और राइट हैंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट और राइट ही हो गया। अब इसने क्या किया, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया इसने, अभी बिल्कुल उल्टा हो गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में आने के लिए क्या करेगा, ये कुछ ऐसे घूमेगा, तो आप समझ सकते हो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट हैंड इस साइड आ जाना चाहिए, तो ऐसे करके ऐसे मान लो ये खड़ा हुआ है, तो इसका ये वाला राइट हैंड हो जाएगा और ये वाला इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? और फेस किसे कर रहा है? फेस ये साउथ को ही कर रहा है, फेस तो साउथ को ही कर रहा है, क्योंकि जब ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में आया है तो इसने अपने फेस की डायरेक्शन तो वहीं रखी है ना, साउथ में, फेस की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज की है, बस हाथों की डायरेक्शन इंटरचेंज हो गई। तो अब इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ पे फेस कर रहा है? देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो तो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, डाउन मतलब इनटू द अर्थ, जैसे अर्थ का सरफेस है तो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं ऐसे, बट हमने सही से बनाया नहीं है इसको, हमें ऐसे ही बनाना चाहिए था जैसे हमने पहले बनाया, ऐसे ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है? तो अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है इसका लेफ्ट हैंड, अब कोई भी बता सकता है, लेफ्ट हैंड फेस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में ही फेस कर रहा है, वेस्ट होती है, तो इसका आंसर है वेस्ट, इसका आंसर क्या है, वेस्ट, दैट इज योर ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।